फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट मोना शेख। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआओं से आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग इसी तरह मुझे याद करते रहा करें जैसे कि आप लोग करते हैं, इसलिए आज मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने करा दिया अपना तारुफ, अब चलते हैं काम की तरफ। ये आप देख रहे होंगे कि ये उबलते हुए पानी को दिखा के अपना तारुफ करा रही है। तो हम बना रहे हैं आज खट्टी मूलियाँ। ये देखें, ये हमने काट के रखी हैं 1 kg मूलियाँ थी जिनको हमने इस शेप में काटना है। ये देखें छोटे छोटे फिंगर चिप्स, ये हमने काटना है इस तरह के। और दूसरी तरफ हमारे पास है 150 ग्राम इमली, खट्टी होती है, खैर इमली, 150 ग्राम इमली, इसे हमने भिगो लेना है। ये काफ़ी देर से भीगी हुई थी तो इसका अच्छे से खटास निकल आई है। पानी हमारा बॉयल हो रहा है, हमने एक डेगची में पानी लेना है, उसे बॉयल करना है। और ये पक पक के पागल हो गया है क्योंकि मैंने पानी पहले रख दिया था व्लॉग स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। ये देखें, हाँ जी, ये हमने डाल दिया 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा बन गया हल्दी वाला पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूलियाँ, मूलियों को देंगे बॉयल। बॉयल करने के बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, ये हो गया हमारा हल्दी वाला पानी। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मूलियाँ। तो ये देखें, ये हमारा हल्दी वाला पानी रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम लो करेंगे, हमारा फ्लेम काफ़ी तेज़ है, ये तेज़ हो गया है, ये और तेज़ हो गया है, और ज़रा भाप बहुत आ रही है, ये हो गया है लो। ओह माय गॉड। तो फ्रेंड्स, फ्लेम हो गया है लो। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें, अब प्रॉपर नज़र आया, ये देखें, ओ माय गॉड, ये है हमारी खट्टी मूलियाँ। खट्टी तो नहीं, अभी हम मूलियों को बॉयल कर रहे हैं जस्ट। ये देखें, बॉयल करने के बाद जो हमारा प्रोसेस है, इसको अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे क्योंकि मूलियाँ अच्छी नहीं छोड़नी। उसका जो आगे का प्रोसेस है वो बॉयल करने के बाद का है। इनको बॉयल करने के बाद हम कर लेंगे स्ट्रेन, और इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। इसको 2-3 बॉयल देने अच्छे से। अब मैंने फ्लेम फिर से तेज़ कर दिया है। 2-3 बॉयल इसे देने के बाद हमने क्या करना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो मिलते हैं इनको स्ट्रेन करने के बाद। बॉयल हो जाए फिर उसके बाद कुछ स्ट्रेन करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। मुझे इसलिए थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। अब मैं चलती हूँ ब्रेक पे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मूलियाँ बॉयल कर ली हैं, अब हम स्टेन भी कर दिया। स्टेन करके ये हमारे हालात हैं मूलियों के। ये कलर इनका इसलिए है क्योंकि हल्दी के पानी में की थी। अब ये हमारे पास जो इमली का पानी था 150 ग्राम, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। इमली के पानी को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है। और इसमें डाल रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच। अब इसको मिक्स करेंगे। अब नमक, अब नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। और इसकी जो इन सबसे ज़्यादा पड़नी है ना, ये वही है। और ये पिसा धनिया डालेगा, ये बहुत सर्दी है आज। 3 चम्मच, 3 चम्मच पिसा धनिया। ये क्यों 3 में? फ्रेंड्स, अब हमने इसमें जो है मिर्चें भी ऐड कर ली हैं, धनिया भी ऐड कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक 1 टेबल स्पून, धनिया डाला 3 टेबल स्पून, आपको दिखा चुकी हूँ मैं। अब इसे भून, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसका एक मसाला सा बना लेंगे। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, यूनिक। अब ये भुनेगा, भुनने के बाद इसके ऊपर आएगा ऑयल। ये हमने इसमें हरी मिर्चें डाल दी। ओ यस, इमली का खट्टा खट्टा पानी पराठे के साथ कितनी जबरदस्त लगेगी। वैसे चार के दाल चावलों के साथ भी खा सकते, दाल चावल तो वे तो मजा ही आ जाए। ये एज अचार भी यूज होती है। ये देखें, ये हमने डाल दी इसमें मूलियां, खट्टी मूलियां हमारी तैयार हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे अब हम। आज आपकी मोना शेख का इरादा है खट्टी खट्टी मूलियाँ खाने का। दुआ करना मोना शेख का गला साफ रहे।
वरना मोना शेख के पापा उससे नाराज हो जाएंगे। ये देखिए अब ये लुक आ गई है हमारी, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त लग रही है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मैं फ्रेंड्स अब इसको थोड़ी देर पकाते हैं मसाला, ताकि इसमें जज्ब हो जाए, खट्टी हो जाए मूलियाँ, रच बस जाए मसाला। तो इसको छोटी सी ब्रेक दें मोना शेख को, मैं भी थोड़ा सा चल फिर के आती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स अब हम इसे ओपन करने लगे और देखने लगे क्या पोजीशन है। वाओ माशाल्लाह डिलीशियस यमी, बहुत ही मज़े की लग रही है। इसमें अच्छी तरीके से खट्टी हो चुकी हैं क्योंकि हमने काफ़ी देर पकाया है, इमली के पानी में इन मूलियाँ खट्टी हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मुझे दें आप इजाज़त, पराठों के साथ खाएं इसको, आज बनाएं पराठे, हम तो बनाएंगे आज पराठे और पराठों के साथ खाएंगे, दाल चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आऊँगी या फिर कोई ब्लॉग लेके आऊँगी। तो हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, यानी कि अब देखते हैं इंशाल्लाह कल ब्लॉग अपलोड करूँगी। अब मेरे चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।